दोस्तों आज हम आपको देंगे आपके क्वेश्चनों का जवाब। क्वेश्चन आपके, जवाब हमारे। थोड़ी देर में देखिए आगे आपके क्वेश्चन और जवाब, आपको मज़ा भी आएगा और आपका बेनिफिट भी होगा। आप धैर्य रखें और अपने क्वेश्चन का जवाब धीरे से सुने और सीरियस सुने। माय डियर फ्रेंड्स, आज का विषय है क्वेश्चन एंड आंसर। जो कमेंट्स में आपने क्वेश्चन लिखे हैं तो हम आज आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपके क्वेश्चन का जवाब। तो पहला क्वेश्चन है एक खिलाड़ी का, जिसने लिखा है कि मैं 1600 मीटर करता हूं और सुबह रनिंग के बाद मैं थक जाता हूं, लेकिन मुझे सोने का समय नहीं मिलता। क्या मुझे सुबह ट्रेनिंग के बाद सोना चाहिए या नहीं? मेरा जवाब आपको ये है कि जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग के बाद में रिकवरी का प्रोसेस होता है और आपको सोना चाहिए, तो इससे आपकी रिकवरी होगी और जब रिकवरी होगी तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये भी 1600 मीटर वाला ही है। इनका कहना यह है, सर हमारे सिन पेन होता है लेकिन फिर भी हमें कोई दौड़ाने वाला है, रोड पर दौड़ाता है सिन पेन होने के बाद, जो भी आपको दौड़ाने वाला है। उनका कहना यह है कि रोड पर अगर दौड़ते हैं सिन पेन ठीक हो जाता है। ये आपका कहना है और आपका क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है, अगर आपके सिन पेन है तो आप रोड पर ना जाएं और रोड को अवॉइड करिए। जब तक आपका सिन पेन नहीं जाता तब तक आपको रोड पर नहीं दौड़ना है। मैं तो साफ साफ मना करूंगा कि आप रोड पर ना जाएं, तो आपके सिन पेन नहीं होगा। और सिन पेन हो रहा फिर भी आप दौड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपको नहीं जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इनका कहना है कि मेरे घुटने से आवाज आती है, टक टक की आवाज, क्या मुझे रनिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टक टक की आवाज आती है लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं और पेन नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके घुटनों से आवाज आती है और आपको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टक टक या खट खट की आवाज आने दो, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, आप अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो और आपको परेशानी ना हो, आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाइए और एक बार उसको दिखाइए, हो सकता है MRI या एक्सरे कर लें तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब आपकी आवाज़ आती है और आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं, आप कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी का कहना है जो 1600 मीटर का ही है, रात को दूध पीने से क्या हमारा वेट बढ़ेगा? देखिए दोस्त, ऐसा है, अगर आप में पहले से ही वेट ज़्यादा है और आपका कहना है कि सोते समय आप दूध पीते हैं, दूध पीते ही आप सो जाते हैं, ये हमारी जनरल टेंडेंसी है और सभी ऐसा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप दूध पीते हैं तो आप 1 घंटा पहले पिएं, और आपका अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो आप दूध, शाम का दूध छोड़ दें, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि रात में बॉडी कोई काम नहीं होता और दूध पीने से वास्तव में वेट इंक्रीज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी की जितनी हड्डियां हैं सारी प्रोटीन के ऊपर ही चलती हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, ज़्यादा बारीकी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बॉडी की जो डिपेंड करती है आपके प्रोटीन के ऊपर, और बॉडी वेट का पर केजी 2 ग्राम आपको लेना चाहिए। अगर आपका पूरा हो जाता तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी बॉडी वेट के पर केजी से 2 ग्राम आपका पूर्ति नहीं हो रहा खाने से, तो आपको प्रोटीन पक्का लेना चाहिए। मेरा कहना यह है, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में रिकवरी ड्रिंक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए ऐसा है, गर्मी है, बॉडी से पसीना बहुत निकलता है, आपका रिकवरी ड्रिंक कंपलसरी है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि दोनों काम करता है, आपकी रिकवरी भी हो जाती है और पानी भी इसके सहारे से आप पी लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? यानी कि प्रोटीन का या रिकवरी ड्रिंक का कोई साइड इफेक्ट होता है, ऐसा आपका कहना है? तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब आप ज़्यादा चीज़ कोई खाते हैं तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन जब आप लिमिट से खाते हैं, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बॉडी का रिकवरी प्रोसेस है और इससे आपकी रिकवरी ही होगी। आशा करता हूँ जो आपके क्वेश्चन थे मैंने वीडियो के माध्यम से आपको आंसर दिया है और आप इसका बेनिफिट उठाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इसी के साथ मैं एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ में जैसे आपके कॉमेंट्स होकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपका ओलंपियन कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।